स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो में। आज की कक्षा में हम करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण विषय के मध्य हम तत्सम तद्भव शब्द पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे देशज विदेशी शब्द। तो जैसे आपने पिछली वीडियोस में देख लिया है पिछली कक्षा में कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द। देशज शब्द कौन होते हैं? वे शब्द, ध्यान से सुनिए, वे शब्द जो भारत के विभिन्न भागों से प्रभावित होकर विकसित हुए हैं, यानी साधारण भाषा में जो देशी शब्द होते हैं उन्हीं को हिंदी में देशज शब्द कहा जाता है। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत या कोई विदेशी भाषा नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है कि इन शब्दों का स्रोत संस्कृत या कोई विदेशी भाषा नहीं है, इनको देशज शब्द, यह बिल्कुल देशी है। तो जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे झाड़ू, पगड़ी, झोला, फावड़ा आदि, यानी जो हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में जो हमारे मूल रूप से हमारे गांव देहातों से जो शब्द उठ के आए हैं हमारे देश की भाषा बोली से, उन्हें देशज शब्द कह सकते हैं हम। तो झाड़ू, पगड़ी, झोला, फावड़ा आदि। इसके अलावा और भी शब्द हैं, तो यदि आपको उत्सुकता है तो आप और पुस्तकों में से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है विदेशी शब्द। नाम से ही पता चल रहा है विदेशी शब्द, यानी वे शब्द जो भारत के इतिहास से प्रभावित होकर हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। ध्यान से देखिए, इसमें बोला है वे शब्द जो भारत के इतिहास से प्रभावित होकर हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, परंतु वो विदेश से आए हैं और हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि हम इतना उन्हें बोलते हैं कि हमें लगता है वे हिंदी भाषी के ही शब्द हैं, तो वैसे वो कैसे विदेशी शब्द हैं। तो यहां पे मैंने कुछ शब्दों की, कुछ विदेशी भाषाओं की लिस्ट बनाई है, सूची बनाई है, तो आपको पता चलेगा कि हम जो रोज भाषा में बोलते हैं और हमें लगता है कि ये हिंदी भाषी शब्द हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ये हिंदी भाषी शब्द नहीं है, बल्कि ये विदेशी शब्द हैं। तो देखिए, पहला है, मैंने पहली सूची बनाई है अंग्रेजी के शब्दों की जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं, जैसा क्रीम, बैंक, डॉक्टर, पार्टी, चेक। ये सारे कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी के हैं लेकिन हम इन्हें हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, क्रीम, बैंक, डॉक्टर, पार्टी, चेक। देन दूसरा है अरबी। अरबी भाषा के कौन से शब्द हैं? औरत, आजाद, इनाम, मरीज, सुबह। ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में मिल चुके हैं। फारसी भाषा, शादी, सरकार, कारीगर, नमक, कागज। शादी, सरकार, कारीगर, नमक, कागज। तुर्की भाषा के शब्द हैं चाबी, कैंची, लाश, तोप, चाकू। पुर्तगाली, फीता, तौलिया, गमला, कनस्तर, साबुन। देखिए, साबुन, गमला, तौलिया, ये सब हम बिल्कुल भी ऐसे लगते नहीं है कि ये दूसरी जगह से आए हुए शब्द हैं। हम इन्हें इतना पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं कि हमें बिल्कुल यकीन भी नहीं होता है। तो पुर्तगाली शब्द हैं ये सारे, फीता, तौलिया, गमला, कनस्तर, साबुन। चीनी शब्द, चीनी जो है वो चीनी का ही शब्द है, लीची, चाय, चीकू। तो ये कुछ शब्द हैं जो हिंदी भाषा में चीन से आए हैं। फिर है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी शब्द क्या है? अंग्रेज, काजू, कारतूस, बिगुल, कर्फ्यू। अंग्रेज, काजू, कारतूस, बिगुल, कर्फ्यू। तो आप इनको याद कर सकते हैं कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है जो हमारे हिंदी में घुल गया है, मिल गया है, और हम उसको बिल्कुल अपना समझ के उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश ही कुछ ऐसा है। हम अपने देश की संस्कृति और हमारा जो प्रकृति ही ऐसी है हिंदुस्तानियों की कि हम लोग सबको अपने में मिला के अपना समझ के उसका स्वागत करते हैं और
उसे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इन वीडियोस को देखते रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए। और बच्चों को लिखकर प्रयास करना है, अभ्यास करना जो है वो लिखकर करना है। सुनने में तो सब कुछ बहुत सरल लगता है, लेकिन जब परिभाषा या कुछ इस तरीके के वाक्य लिखने को आते हैं तो आप उस समय जो है बिल्कुल आपकी कलम रुक जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और जितना हिंदी को पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। सब पढ़ो, सब पढ़ो।